अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रिश्ता जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, रिश्ता जो है, ये जो खातून है, इनका नाम है आफिया। आफिया जो है, इनकी उम्र है 40 साल। 40 साल उम्र है, आफिया नाम है, और ये एक तलाक याफ्ता खातून है। इनकी डाइवोर्स हो चुकी है और तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है। एक बेटी है और वो इन्हीं के साथ रहती है। आफिया जो है मुसलमान है। इनकी हाइट 5 फुट है और इनकी तालीम जो है, इन्होंने MBBS से जो है किया हुआ है, यानी कि MBBS ये डॉक्टर हैं और अपना एक जो है छोटा सा क्लिनिक चलाती हैं कराची सिटी में। इस वक्त जो है कराची सिटी में अपना एक क्लिनिक चलाती हैं। तो अच्छी खासी यानी कि आमदन है मंथली, अपना अपना घर है, अच्छे ख़ानदान से हैं, मुसलमान हैं। फिरका जो है इनका वो सुन्नी है। तो कुछ अर्सा पहले जब इन्होंने शादी की थी, पहली शादी यानी कि वो अपने घर वालों की जो है मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी, इसीलिए तो है जो है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो इनके फैमिली है, भाई बहन है, वो इनसे जो है इनसे वो ताल्लुक़ जो है उनका नहीं है, वो इनसे नहीं बातचीत करते, तो इसीलिए ये अकेली रहती हैं। इस वक्त जो है ये बिल्कुल अकेली हैं, एक बेटी है उसके साथ रहती हैं। तो अभी जो है ये चाहती हैं कि दूसरी शादी कर लें। तो इसी सिलसिले में उनको जो है किसी ऐसे रिश्ते की जो है तलाश है कि लड़का जो है उसकी उम्र 45 साल तक हो, पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो। लड़का जो है यानी कि पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना जो चाहता हो, वो लड़का ना हो बिल्कुल भी, या तो वो कुंवारा हो या फिर रंडवा हो, या जो है अपनी बीवी को तलाक दे चुका हो, तो वो जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं। लड़का जो है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है। आज़ाद बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, लड़का मुसलमान होना चाहिए बस, तो वो जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि शादी के बाद लड़का जो है यानी कि जो इनके हस्बैंड होगा, वो इनके साथ ही कराची सिटी में रहेगा। तो वही अफराद जो है इस शादी के लिए रब्ता करें जो कराची में इनके साथ रह सकें शादी के बाद। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। शुक्रिया।